गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको पता है आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो और आपकी न्यू क्लास की ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी कुछ बंद है, स्कूल बंद है आपके वापस से, तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। तो इस बार अपनी ऑनलाइन क्लास को प्रॉपरली ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ध्यान से अपनी कॉपी में करिए। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 1.1 से, और अब आपको ध्यान से देखना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई मस्ती नहीं, है ना। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, और घर में रहेंगे सेफ रहेंगे। क्वेश्चन देखो आपके इतने बड़े हैं कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम हो रही है इसको लिखने की, तो मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ, आप बोलते समय उसको लिख लीजिए। अभी आपने बुक्स नहीं खरीदी है, और जल्दी से जल्दी अपने बुक्स खरीद लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को कर सकें। देखो एक्सरसाइज फर्स्ट है, बोल रहा है किसी विशिष्ट दिन, ठीक है, विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा पर दिखाया गया है। यानी एक संख्या रेखा है, उस पर आपको टेम्परेचर दिखाया गया है, एक संख्या रेखा पर। देखो कैसे पर्टिकुलरली एक दिन का है ये, 10, 1, 2, 3, 4, 5 -5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितना हो गया, 5, 5 का अंतर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 10, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 15, और 1, 2, 3, 4, 5 यानी 20, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 25। ये आपको दिए हुए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति का देखो यहाँ दे रखा है, ये किसका दे रखा है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर का दे रखा है ये, शिमला का दे रखा है, का दे रखा है ये, और उसके बाद में बैंगलोर का दे रखा है, अब ये बोल रहा है कि इस संख्या रेखा को ध्यान से देखिए और इन पर स्थापित अंकित स्थानों के तापमान लिखो। अगर संख्या रेखा को देखकर हमें तापमान लिखना है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम लाहौल स्पीति का लिखें, लाहौल स्पीति, देखो 0 से इधर चल रहा है, लाहौल स्पीति का आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे आ रहा है ना, और ये किसके है, माइनस के है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री, ठीक है, और सेल्सियस में दे रखा है, इसलिए हमने लिख दिया सेल्सियस। दूसरा नंबर है श्रीनगर का, 0 से तो माइनस में, उधर चलेंगे तो प्लस में, तो 0 में कितना, 0 के बाद 1, 2, तो ये किसके होंगे, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा किसका है, शिमला, शिमला का देखो कितना आ रहा है, सीधा ही 5 पे है, तो यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस। अब है ऊटी, इसका बता रहा है ऊटी का कितना आ रहा है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डिग्री कितना बता रहा है, 14 डिग्री। अगला है बैंगलोर, बैंगलोर में है 20 के बाद 21, 22 बैंगलोर का है 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर, सबसे गर्म
ठंडे स्थान का अंतर, यानी टेम्परेचर में अंतर। तो आपको पता है इस जीरो से इधर जो सबसे लास्ट में है वो सबसे ठंडा है, उधर प्लस में चले जाओ जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे गर्म है। तो सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का कितना है? -8 डिग्री। और अंतर पूछा है यानी कि माइनस का निशान लगा दिया। और सबसे गर्म कौन सा है? बेंगलोर का। बेंगलोर का कितना है? 22 डिग्री। अब आपको पता है जब दोनों के साइन सेम है तो दोनों को एक जगह इकट्ठा करके लिख सकते हैं हम, दोनों मिला के हो गए -30 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर सी में इसमें है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर। लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान का अंतर, लाहौल स्पीति का है -8 और श्रीनगर का कितना है? -2। अंतर पूछा है तो इसलिए माइनस लगा दिया। श्रीनगर का कितना है? -2, तो ये -2 इसका इसके अंदर रख दिया ब्रैकेट में, दो चिन्ह पास पास नहीं लगाते। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -8, दो चिन्ह पास पास होते हैं, तो बताया था माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, प्लस और एक माइनस तो माइनस। तो यहाँ पे दोनों माइनस आ रहे हैं यानी चिन्ह लग जाएगा 2। अब दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए तो बाई 8 में से 2 निकाल दें, क्योंकि दोनों से तो 8 निकल ले, सिर्फ 8 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? 6। लेकिन हमने जिसमें से निकाला है ना उसी का चिन्ह लगेगा। 8 में से निकाला और 8 किसका है? माइनस का, तो चिन्ह लगा माइनस का 6 डिग्री। ये हो गया अंतर। क्वेश्चन नंबर डी, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? पूछ रहा है क्या शिमला और श्रीनगर तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है? योग श्रीनगर के तापमान से कम है। तो पहले तो हम ये देखेंगे शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करें तो शिमला का कितना है? 5 डिग्री। योग का मतलब है प्लस। श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री। -2 डिग्री, दो चिन्ह पास पास नहीं लगाते इसलिए हमने लगा दिया ब्रैकेट में, ठीक है। बराबर में आप देखें कि श्रीनगर का तापमान देखें -2 डिग्री बता रहा है, तो ज़रा इसको भी सॉल्व कर लें। देखें 5 प्लस माइनस का 2 डिग्री, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखते हैं कम है या ज़्यादा है, वो हम यहाँ बॉक्स बना देते हैं। तो 5 में से 2 निकलेंगे तो 3 डिग्री, और यहाँ बता रहा है -2 डिग्री। तो अब ये बता रहा है कि श्रीनगर के तापमान से कम है क्या? कम होता तो ये माइनस का होता, लेकिन ये तो प्लस का है, यानी ये टेम्परेचर ज़्यादा है। माइनस का कम होता है, प्लस का ज़्यादा होता है, तो यानी कि 3 डिग्री ज़्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे कि श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है एक प्रश्नोत्तरी हुई है क्वेश्चन आंसर की,
और उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। एक प्रश्नोत्तरी में सही अंक के लिए धनात्मक, धनात्मक का मतलब है प्लस, और गलत के लिए ऋणात्मक, और गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। अगला बोल रहा है, पांच चक्करों में प्रश्न को थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे। जैक द्वारा प्राप्त अंक कौन कौन से हैं देखो, 25 -5 -10 15 और 10, ये थे जैक द्वारा प्राप्त अंक। तो अंक में बताइए कि अंकों का कुल योग कितना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है कुल योग। आप देखो उसके धनात्मक का मतलब होता है प्लस और गलत के लिए है ऋणात्मक, तो पांच अंक में जैक द्वारा प्राप्त अंक है तो इनको कुल योग करना है। तो कुल योग देखो आंसर के लिए इसको जोड़ना है, 25 प्लस माइनस के 5 है ना, दोनों चिन्ह पास आ गए ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस के 10, ये भी दोनों चिन्ह पास पास हो गए तो लगा दिया माइनस का, प्लस 15 और प्लस 10। अब पहले तो अपन चिन्हों को, जो तो दो दो चिन्ह हो रहे हैं उनको एक जगह कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो इसी के आगे कर देती हूँ मैं, 25 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम क्या करें, प्लस प्लस को एक जगह कर देते हैं, ये प्लस का है क्योंकि आगे कोई निशान नहीं है, ये प्लस का है और ये प्लस का, तीनों को जोड़ दो एक जगह, तो 25 और 15 कितने होंगे, 25 5 30 और 10 40, 40 को 10 जोड़े तो 50, ये तो हो गए प्लस के, और माइनस के एक जगह कर दो, माइनस का 10 और माइनस का 5 मिला के हो गए माइनस के 15, हो गए। अब 50 में से माइनस के 15 निकाल दो, 10 में से 5 गए, 5 एक से लेके यहाँ बचा 4, 4 में से एक गया तो 3, तो ये हो गया कुल अंक हो गए उसके 35, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये अपना सारा वर्क अपनी होमवर्क कॉपी लेकर के मुझे आप सेंड करेंगे, और होमवर्क लिख देती हूँ आपकी पूरा मेमोरी में रहेगा। होमवर्क है टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इन योर कॉपी, आपकी कॉपी के अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट क्वेश्चन भी लिखना है और सॉल्यूशन भी करना है, उसके बाद में आप अपनी होमवर्क कंप्लीट करके मुझे आप सेंड करेंगे। थैंक यू।